असदुद्दीन ओवैसी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एआईएमआईएम के से सांसद ओवैसी का ये वीडियो कानपुर का है। इसमें ओवैसी मोदी योगी के बाद क्या होगा, कौन बचाएगा जैसी बातें करते हुए दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के दीवार से खामोश जरूर है, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं है, और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा, हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। ये बयान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कानपुर में दिए एक भाषण का है, जिसमें ओवैसी पुलिस वालों को खुली धमकी दे रहे हैं। ओवैसी का ये वीडियो वायरल होने के बाद यूपी ही नहीं पूरे देश में सियासत गर्मा गई है, जिसमें मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि योगी जी के मठ के कारण ही शांति है। मोदी जी के मठ के कारण ही उत्तर प्रदेश में आज शांति का राज है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अपराधी खत्म है। ये मठ का ही प्रभाव है, मठ के ही संस्कार हैं, और आज योगी जी मोदी जी है तो ये गुफा के ही संस्कार हैं कि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी पागल हो गया, और हिंदुस्तान को और देशवासियों को ये समझना चाहिए कि कुछ लोग जो है ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। और असदुद्दीन ओवैसी के अगर बुखार उतारना है तो इनको इनकी ही भाषा में इनका बुखार उतारना पड़ेगा। वही कांग्रेस भी ओवैसी पर हमलावर दिख रही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने ओवैसी पर बड़बोलेपन का आरोप लगाया, कहा कि कहीं कोई समस्या थी तो वो संसद में उठा सकते थे। इस तरह का कहना बड़बोलापन है, और मैं उनके इस तरह के किसी व्यक्ति से हम लोग सहमत नहीं है। पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की सेवा भी करता है, और कहीं कोई मामला हो तो वो सांसद हैं, उस चीज़ को बातचीत के जरिए उसको उनको सुलझाना चाहिए। सियासी दलों के नेता ही नहीं बल्कि ओवैसी जिनकी सियासत करते हैं वो भी ओवैसी के ऐसे बयान से सहमत नहीं है। मैं क्या बोलना चाहूँ, मैंने आपसे एक ही बात बोली है, ये तो अपने वोटर्स या खींचते हैं या फिर राजनीति का कोई धर्म ही नहीं होता है। इस तरह की बातें तो गैरकानूनी है, सब तो नहीं बोलना चाहिए भाई, ये सब तो गलत बात होती है। वो कोई भी नेता हो गलत बयान बोले तो उसको सजा मिलना चाहिए। ओवैसी ने विवाद बढ़ाने पर मामले पर सफाई भी दे दी है, लेकिन वो ऐसे ही बयान देने के माहिर हैं, जिसमें वो अपने बयान से पहले विवाद खड़ा करते हैं फिर माफी मांग लेते हैं। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 8।